नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल उनका नजरिया क्या है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी दिनों के बाद वायनाड में जो घटना हुई उसके काफी दिनों के बाद वायनाड के दौरे पर है। आपको याद होगा वायनाड केरल का वो इलाका है जहां राहुल गांधी 2019 में अमेठी के हार के बावजूद वायनाड में चुनाव लड़कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, और इस बार 2024 में फिर वायनाड से चुनाव लड़े, वायनाड से चुनाव फिर जीते, लेकिन लेकिन रायबरेली में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां जीतने के बाद उन्होंने वायनाड की कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दी, और अब ये माना जा रहा है कि दरअसल वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। राहुल गांधी जब आपदा आई वायनाड में तो राहुल गांधी वहां गए, लोगों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द में शरीक हुए, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां गए हैं। अमूमन ऐसा कम होता है जब कोई बड़ी आपदा होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाए। मणिपुर का किस्सा आप सबको अच्छी तरीके से मालूम है। वैसे पर वायनाड जाने का क्या अर्थ निकलना चाहिए? क्या वाकई प्रधानमंत्री इस आरोप से बचना चाहते हैं कि इतनी बड़ी आपदा हुई और वो नहीं गए, जबकि राहुल गांधी जो आज की तारीख में लीडर ऑफ अपोजिशन वो वहां गए, या नरेंद्र मोदी वायनाड के बहाने एक कोई नई राजनीतिक पटकथा लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन को भी कटघरे में खड़ा करेगी, राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा करेगी, और हो सकता है कि खुद भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति में जो बदलाव की उम्मीदें की जा रही है उसको कहीं ना कहीं वो प्रतिध्वनित करती हुई दिखाई पड़े। जानेंगे खुद श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही विशेष कार्यक्रम में। क्या लगता है सर आपको? देखिए साहब, ये देश के लिए बहुत बड़ी खबर है कि मोदी जी वायनाड गए। जी, बड़ी खबर इसलिए है कि एक तो वो 11 दिन बाद वहां गए, 30 जुलाई को घटना हुई थी, डिजास्टर हुआ था जी। अब वो क्या देखने गए होंगे, क्योंकि मोदी जी आज गए, एरियल सर्वे किया उन्होंने, और कल वहां से पूरी की पूरी आर्मी निकल गई बाहर, और केरल के वायनाड के लोगों ने, केरल के लोगों ने उनका अभिवादन किया, धन्यवाद दिया तालियां बजाते हुए। तो वायनाड में या जिन इलाकों को भी वो देखने गए, चूरामला में या मुंडा कई में या पुंचिरी मक्कम में, क्या देखा होगा उन्होंने, और हवाई जहाज से क्या देखा होगा, एरियल सर्वे में उनको क्या नजर आया होगा, विनाश क्या नजर आया होगा, 10 दिनों के बाद क्या नजर आया होगा उनको, क्योंकि जब विनाश हुआ था तब वहां पर गांव के गांव बह गए थे पूरे के पूरे जी, और 2 दिनों में 570 मिलीमीटर बारिश हुई थी, और 400 से ज्यादा लोगों की जाने गई, और कई लोग मिसिंग हैं, 150 के करीब लोग मिसिंग हैं, और 273 लोग घायल हैं। इसका दूसरा पक्ष ये है कि मोदी जी फिर एरियल सर्वे नहीं कर रहे हैं, वो जो राहत और पुनर्वास के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, और हॉस्पिटल में जो घायल हैं उनसे भी मिलने वाले हैं, या मिले होंगे क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तब तक तो मिल चुके होंगे जी। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कई मुद्दे हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं, एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे कहा कि ये 30 तारीख की घटना थी, फिर राहुल प्रियंका के साथ गए वहां और उन्होंने 2 दिन बिताए वहाँ, देखा पूरा का पूरा। तो राहुल गांधी ने रिएक्ट किया, ट्वीट किया कि थैंक यू मोदी जी फॉर विजिटिंग वायनाड पर्सनली,
टू सी टू टेक द स्टॉक ऑफ द ट्रेजेडी, टेरिबल ट्रेजेडी. उसके बाद वो एक सेंटेंस है कि दिस इज अ गुड डिसीजन. राहुल गांधी चाहते तो वो यहां तक रुक जाते कि थैंक यू मोदी जी, पर उन्होंने कहा दिस इज अ गुड डिसीजन. और उन्होंने ये भी कहा कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट वंस द पीएम सीज द एक्सटेंट ऑफ डिवास्टेशन फर्स्ट हैंड ही विल डिक्लेयर इट ए नेशनल डिजास्टर. जी अब इसमें हमको कई तरह की चीजें ढूंढ सकते हैं. एक तो ये भी ढूंढ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जाने के लिए समय नहीं निकाल पाए होंगे, एक तो ये ढूंढ सकते हैं. वो ये ढूंढ सकते हैं कि वो जानबूझ करके नहीं गए होंगे क्योंकि वहाँ रिलीफ का काम चल रहा होगा तो वो उनके जाने से बाधा पड़ सकती होगी. कई चीजें हम देख सकते हैं जी, पर उसमें जो कुछ चीजें और भी हो सकती हैं जो देखने की है कि हम उसको राजनीति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें तो हमको क्या दिखता है, मतलब ये जो मैंने कहा उसके अलावा क्या दिखता है, जो कि वो समय नहीं निकाल पाए होंगे, ये जानबूझ करके नहीं गए होंगे, क्योंकि जैसा आपने भी कहा और हमने भी देखा कि किस तरह से अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में रिएक्ट किया था कि केरल गवर्नमेंट को तो फोरवॉर्न कर दिया गया था मौसम विभाग द्वारा और कि ये आपदा आ सकती है, जबकि केरल गवर्नमेंट ने उसका खंडन किया कि ये जो फोरवॉर्न किया था वो उसी दिन जानकारी प्राप्त हुई जिस दिन डिजास्टर हुआ, तो उसको लेकर काफी दुख भी व्यक्त किया गया था, आक्रोश भी व्यक्त किया गया था जी, और कई चीजें हुई थी उसको लेकर. पर इसमें एक चीज ये है जिसको हम देख सकते हैं कि इसमें विपक्ष का जो दबाव है या राहुल गांधी का जो मॉरल प्रेशर है, क्या उसका भी कुछ असर रहा होगा इस पूरे के पूरे प्रधानमंत्री की यात्रा में. और हम इसको किस तरह से देख सकते हैं पॉलिटिकली, क्या ये जो जिस तरह से बीजेपी के जो सांसद है राहुल गांधी, जब 7 अगस्त को वायनाड पर बोल रहे थे संसद में जी, तो ट्रेजरी बेंच के लोग ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, उनको हल्ला मचा रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे. अगर आप उस समय का विजुअल देखें जी, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं और वो वायनाड पर बोल रहे हैं और फिर उनको रोका नहीं जा रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का जो पूरा एटीट्यूड रहा वायनाड को लेकर या डिजास्टर को लेकर या डेथ्स को लेकर, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री की अचानक कल शाम को जो रात तक जो पता चला कि प्रधानमंत्री वायनाड जाने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को एक धक्के की तरह आया होगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और इंडिया ब्लॉक को एक शॉक की तरह आया होगा कि ये एक नया क्या प्रधानमंत्री ने किया और उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं. राहुल गांधी का अगर हम ध्यान करें कि वो 2 तारीख को वहां थे वायनाड में, 1 तारीख को गए थे, एक और दो तारीख को थे वहां, 2 दिन वहां रुके, प्रियंका गांधी के साथ गए थे. हम याद करें कि राहुल गांधी वायनाड की यात्रा पर है और रात को 1:52 पर वो ट्वीट करते हैं वहां से, और वो ट्वीट होता है कि उनके पार्लियामेंट में चक्रव्यूह पर दिए भाषण को लेकर ईडी रेड होने वाली है पर. और वो कहते हैं कि आई एम रेडी विद टी एंड बिस्किट, मोस्ट वेलकम. तो राहुल गांधी वायनाड की यात्रा पर थे, डिजास्टर के समय थे वहां, और उस समय उनको जानकारी मिलती है ईडी रेड को लेकर. रात को जगाया जाता है सुबह अर्ली मॉर्निंग 1:52 पर,
और वो ट्वीट करते हैं, और वहीं उसी वायनाड पर जहां राहुल गांधी गए थे, वो तब हमने देखा ना कि राहुल ने किस तरह से एग्रेसिवली उसको जो पूरी खबर थी ईडी रेड की वो ट्वीट किया था। अब इसमें ये है कि जो मुद्दा है कि वायनाड से आने के बाद राहुल ने जब पार्लियामेंट में कहा था और उन्होंने पूरा बयान किया था उसका डिटेल्स में कहा था कि कितना विनाश हुआ है, और उसमें मांग की थी कि उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए जी, और राष्ट्रीय आपदा घोषित तो उस समय नहीं किया गया, और राहुल गांधी ने उस समय पूरी आर्मी को, एनडीआरएफ को, केरल सरकार को, कर्नाटक सरकार को, तमिलनाडु सरकार को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, सारे लोगों को धन्यवाद दिया था। उन्होंने किसी भी संस्था या व्यक्ति को छोड़ा नहीं उसमें अपना धन्यवाद देने में। केंद्र सरकार को भी दिया था, जो एनडीआरएफ तो केंद्र के अंतर्गत है। अब हम जो सवाल पूछना चाहिए हमको, या देश पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री को ये फैसला लेने में, या ऐसी कौन सी बात जो मैंने कारण बताया उसके अलावा कि प्रधानमंत्री को क्या ऐसा लगा होगा अचानक से कि उनको वायनाड जाना चाहिए, जो एक जो बात होती, क्योंकि आमतौर से इस तरह के डिजास्टर्स में हमने देखा है दुनिया के देशों में, बड़े बड़े देशों में, कि इस तरह के डिजास्टर में जो वहाँ के जो शासन प्रमुख हैं वो पहले घड़ी में वहाँ पहुँच जाते हैं, और हमारे यहाँ के लोग भी पहुँचते रहे, हमारे यहाँ के पूर्व के शासनाध्यक्ष भी हैं वो भी पहुँचते रहे। प्रधानमंत्री नहीं गए और अब गए, तो हम दो चीज़ें देखना चाहते हैं। एक तो ये कि अब प्रधानमंत्री के अब जाने का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो पिछला प्रभाव, जो चीजें पहले पड़ी उसको अंडू करेगा, तो कोई क्या फर्क पड़ने वाला है। तो क्या जो मैं देख रहा हूं या मैं समझता हूं या मैं जानना चाहता हूं कि ये जो ऑनगोइंग कन्फ्रंटेशन चल रहा है विपक्ष का और सत्ता के बीच में, और जो हमने देखा कि राज्यसभा में कल जो हुआ पूरा का पूरा हादसा, वो जो हुआ कन्फ्रंटेशन हो रहा है उसको, ये प्रधानमंत्री का जो कदम है ये उस पर थोड़ा सा हीलिंग टच का काम करेगा क्या, महरम का काम करेगा क्या? क्योंकि मैंने जैसा कहा आपको, राहुल का ट्वीट बताया जो उन्होंने आज किया कि दिस इज ए गुड डिसीजन, और उन्होंने थैंक यू मोदी जी कहा, वो बहुत ही, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटर लेट देन नेवर और वगैरह वगैरह, ही वाज नॉट एनी वे सरकास्टिक, बहुत ही विनम्र भाव से उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। तो क्या ये जो विपक्ष का सरकार के प्रति नजरिया है उसको सॉफ्टन करेगा क्या, थोड़ा सा नरम करेगा क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने कल का घटनाक्रम देखा हो तो राज्यसभा जो स्पीकर थे लोकसभा के, वो ही वॉज वेरी क्विक, अगर गौर किया हो आपने, कि एक तो जो लोकसभा का जो संसद का सत्र था वो 12 तारीख को खत्म होने वाला था, पर कल हो गया वो खत्म, कल ही खत्म कर दिया गया 9 तारीख को, और फिर उन्होंने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एक टी पार्टी रखी उन्होंने जी, स्पीकर ने, आपने देखा हो उसमें, उस टी पार्टी में को अगर आपने जो अनऑफिशियल थी, मतलब ऑफिशियल नहीं थी वो टी पार्टी, और वो रखी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में, और उसमें सभी लोग थे, और उसमें राहुल और मोदी जी ने, जो खबर है कि दे ग्रीटेड ईच अदर विद
वार्म, जिसको कहते हैं कि बहुत गर्म जोशी से दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। और राहुल स्पीकर के एक तरफ बैठे थे, दाहिनी तरफ बैठे थे, और बाईं तरफ प्रधानमंत्री बैठे हुए थे उनके, और फिर राहुल की बगल में किरण रिजिजू बैठे थे, संसदीय काम जो देखते हैं, और फिर प्रधानमंत्री की बगल में राजनाथ सिंह और फिर अमित शाह बैठे हुए थे। ये एक बड़ी घटना है, बड़ी घटना इस मामले में है। और इसमें उल्लेखनीय ये है, मतलब आप इसको, मैं इसको कोई, चूंकि अनऑफिशियल टी पार्टी थी तो इसमें धनखड़ नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे जी, तो क्या वो नहीं हो सकते थे, मतलब या होना नहीं चाहिए था क्या, या हो नहीं सकते थे क्या? तो क्या ये जो डैमेज हुआ कल जबरदस्त राज्यसभा में दो एक दिन और काफी गंभीर किस्म का है कि सभापति के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाना या को हटाने की कार्रवाई, जो कि संसदीय इतिहास में पहले कभी सुनी नहीं हम लोगों ने, या कहना कि हम ये जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम आएंगे नहीं, ये इसको थोड़ा सा पूरे के पूरे मामले को जो डैमेज कंट्रोल कहते हैं कि ये डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज भी हो सकती है क्या, कि अचानक से एक कौंधा हो बिजली की तरह कि जाना चाहिए वहां, why not जाना चाहिए। तो इसको मैं एक चीज और समझता हूँ, इसको एक प्रधानमंत्री के या सरकार के एटीट्यूड में कुछ जो चीजें मैं देख रहा हूँ उसमें उसके साथ जोड़कर देखना चाहता हूँ, अगर आपने गौर किया हो कि प्रधानमंत्री जब यहाँ जाते हैं वाई नॉट, उसी समय विदेश मंत्री मालदीव जाते हैं। अब हालांकि दोनों के बीच, दोनों यात्राओं के बीच कोई संबंध नहीं है, पर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मालदीव के साथ हमारे बहुत संबंध खराब हो गए हाल के दिनों में। जी जी, और बांग्लादेश क्राइसिस के बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट जेस्चर हो गया कि ये जयशंकर, वो एक मुस्लिम कंट्री है मालदीव्स भी, और जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है इस पूरे के पूरे इलाके में, तो वहाँ वो प्रधानमंत्री एक कॉन्फ्रंटेशन को कम करने के लिए वाई नॉट जा रहे हैं और जयशंकर वहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए अब प्रधानमंत्री के वाई नॉट जाने को देश किस तरह से देखेगा, क्या ये एक हमको देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि क्या हम एक कोई नया प्रधानमंत्री देख रहे हैं या नया मोदी देख रहे हैं, या कोई थोड़ा सा हम जिस तरह के विजुअल्स हमने देखे कि राहुल गांधी के साथ वो चाय पार्टी में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, हालांकि वो प्रधानमंत्री सहज नहीं दिखते हैं उन फोटो में, तो हमको शायद कुछ समय इंतजार करना होगा, क्योंकि एक मुद्दा इसमें ये भी हो सकता है कि सरकार इस समय जिस तरह के संकट में है उसमें ये एक टेम्पररी जिसको कहना चाहिए ट्रीटमेंट हो सकता है, कि इसमें इस समय सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, विकास नहीं भी हो तो पर सबका साथ लेने की जरूरत है। तो इसलिए एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट नजर आई कि ये मालदीव की यात्रा का जो आफ्टर इफेक्ट है अपोजिशन और सरकार के बीच में, जो कॉन्फ्रंटेशन अब चालू हुआ है उसको, वो कब कहाँ तक जाता है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या ये कि टेम्परेरी मेजर तो नहीं है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि सरकार को इस समय राहुल गांधी के सहयोग की और विपक्ष के सहयोग की या कोऑपरेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो जिस तरह के थ्रेटनिंग वॉइसेस बांग्लादेश की तरफ से आ रही हैं, और वो अगर हमारे जिस फ्रंट से आ रही हैं वो ईस्टर्न फ्रंट से आ रही हैं, और अगर वेस्टर्न फ्रंट पे भी अगर दिक्कतें होती है तो हम लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का जो जेस्चर है वाई नॉट का, वो
कंप्लीट तब तक नहीं होगा या कंप्लीट हुआ मानेंगे अगर प्रधानमंत्री, जैसा आपने भी अपनी भूमिका में कहा कि अगर मणिपुर भी चले जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी 3 बार मणिपुर हुआ है और तीनों बार उन्होंने प्रधानमंत्री का आह्वान किया कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते हैं, तो प्रधानमंत्री को आकर देखना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर तो नहीं है मणिपुर का, पर मैन मेड ह्यूमन डिजास्टर है और इसमें भी 300-400 लोग मरे हैं, कई घर जले हैं और हजारों लोग 50,000 से ज़्यादा डिस्प्लेस हुए हैं जो कि पड़ोसी राज्यों में रह रहे हैं। तो आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम हो गया और प्रधानमंत्री के भी लौटने का भी शायद वक्त हो गया होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।